So guys, welcome back to my channel. I'm here to talk about my gaming and video editing PC, what I have built. So my PC can edit video up to 2.4K without any graphics card because of the processor. So first let's talk about the processor. So जो प्रोसेसर मैंने यूज़ किया है वो है राइजन 5 2400G जो आता है वेगा 11 ग्राफिक्स के साथ में, जिसमें 4 कोर और 8 थ्रेड है, और मैंने उस प्रोसेसर को परचेज़ किया है 10,000 रुपीज़ में। नेक्स्ट मदरबोर्ड, जो मदरबोर्ड मैंने यूज़ किया है वो है MSI A320M A Pro Max, जिसका सेपरेट वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। उस मदरबोर्ड को मैंने परचेज़ किया है 4,000 रुपीज़ में। नेक्स्ट रैम, तो जो रैम मैंने यूज़ किया है वो है कॉर्सेयर वेंजेंस 8GB 3000 MHz डुअल चैनल सिंगल रैम स्टिक। ओके, मैंने 3000 MHz इसलिए यूज़ किया है क्योंकि वो आपके पीसी को, आपके वर्क को एक बहुत ही ब्लेजिंग स्पीड देता है, और उस रैम को परचेज़ किया है मैंने 3600 रुपीज़ में। नेक्स्ट SSD, SSD के लिए मैंने फिक्स किया है क्रूशियल 120GB का SSD। 120GB आई थिंक इट्स इनफ फॉर अ PC, बिकॉज मुझे सिर्फ उसमें विंडोज़ इंस्टॉल करना है, और स्टोरेज के लिए मैं 1 TB का हार्ड डिस्क यूज़ कर रहा हूँ। तो आप जब भी PC बिल्ड करो उसमें SSD ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि वो आपके रेंडरिंग को, बूटिंग को में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो जो SSD मैंने परचेज़ किया है वो 2000 रुपीज़ का है। नेक्स्ट पावर सप्लाई, पावर सप्लाई के लिए मैंने यूज़ किया है एंटेक एटम 550 वॉट। मैंने जो मदरबोर्ड और जो प्रोसेसर यूज़ किया उसके लिए 450 वॉट इनफ है, बट मेरे कैबिनेट पे 3 red 120mm के LED फैन लगे हुए हैं, इसीलिए मैंने 550 वॉट यूज़ किया है, जिसका कॉस्ट मुझे पड़ा है 2400 रुपीज़। टोटल मिला के आपको 22,000 रुपीज़ होता है। तो 3000 रुपीज़ बच रहा है वो आप पे है, आप कैबिनेट ऐड करना चाहते हो या हार्ड डिस्क। मैंने कैबिनेट भी लिया है और हार्ड डिस्क भी लिया है, तो मेरा बजट थोड़ा आगे चला गया, पर कैबिनेट वो आप पे है, आप चीप वन भी ले सकते हो, प्रीमियम वन भी ले सकते हो। और मैंने जो कैबिनेट यूज़ किया है वो है चिप्ट्रॉनिक्स GNX 100 घोस्ट, जो पड़ा है मुझे 2700 रुपीज़ का। तो आप चाहो तो हार्ड डिस्क ऐड कर लेना, या आपको ज़रूरत हो तो ऐड कर सकते हो, या बाद में कर लेना, और बजट में टाइट हो तो ना ही करो, 120GB तक काम चलाओ, उसके बाद हार्ड डिस्क ऐड कर लेना। तो दैट्स इनफ। सारे प्रोडक्ट की परचेज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो वहाँ से खरीद सकते हो। यू गाइस लाइक द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।